हेडलाइट जो कि आपने देखा होगा ये लगा हुआ आता है, यहाँ पर डिजिटल मीटर लगाया है जिसमें अगर मैं आपको ये छोटा सा स्विच है यहाँ पर इसको प्रेस करूँगा ना मैं तो इसके कलर चेंज होंगे। ये देखो इसमें काफी सारे कलर है। तो ये अपने सामने बजाज विक्रांत और इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हिला भी नहीं सकते आप, इतना मजबूत लाइटर भी है, फिटिंग इसकी जेन्युइन है। इसी हिसाब से यहाँ पर सैडल स्टे लगाया गया जो कि बहुत ही मजबूत और बिल्ड क्वालिटी का है। इसको मैं प्लेट का टॉप रहेगा पूरा। अब इस पर जिन लोगों को इस पर टॉप बॉक्स लगवाना है तो वो लगवा सकते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं ले आया हूं क्लिक ऑन अ वीडियो, क्लिक ऑन अ टॉपिक। मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एसकेडी बाइक वर्ल्ड। आज ये अपने सामने बजाज विक्रांत और इसकी मेरे चैनल पर वीडियो थी भी नहीं और इसका वीडियो बनाने का मकसद ये भी था कि काफी सारे लोगों को लगता है कि जिन बाइक्स की वीडियो मैं बनाता हूं तो वही वीडियो जो है और उसी तरीके की बाइक्स की जो अपने शॉप पर जो है काम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास टू व्हीलर कोई भी हो जो धरती पर दौड़ रहे हैं इस समय, दो पहिया जितनी भी गाड़ियां हैं, उन सबकी मॉडिफिकेशन आप करा सकते हो अपनी एसकेडी वाली शॉप पर यानी कि अपनी दुकान पर और अपने चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहती है। तो जैसे कि आप देखते हो ये विक्रांत है और इसमें काफ़ी अलग मॉडिफिकेशन है जो शायद आपने अब तक देखी हो। अब इस क्रैश गार्ड के बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये क्रैश गार्ड जो लगा रहे हो तुम ये किस किस बाइक पर लगेगा और ये प्रॉपर काम है या क्या है? ये हम प्रॉपर तरह से काट के बनाते हैं। ठीक है, क्रैश गार्ड किसी भी मतलब बहुत सारी बाइक है जिसकी बनी नहीं है अभी, तो उसको हमें ना क्रैश गार्ड दूसरी बाइकों का यूज करते हैं उसे काट देते हैं, काट के फिर लेकिन प्रॉपर तरीके से हिला भी नहीं सकते आप, इतना मजबूत। जरा इसको ये गाड़ी हिल जाएगी लेकिन क्रैश गार्ड नहीं जाएगा, तो देख सकते हो आप। बाकी बहुत ही हैवी है, दो स्लाइडर भी है, फिटिंग इसकी जेन्युइन है और इसके अलावा ये जो बाइक तैयार की जा रही है टूरिंग पर्पज के हिसाब से, उसी हिसाब से यहाँ पर सैडल स्टे लगाया गया जो कि बहुत ही मजबूत और बिल्ड क्वालिटी का इसमें डाउन किया गया है। और इधर भी देख सकते हो आप, साथ ही में टॉप रैक की प्लेट है, ये पूरा टॉप रैक कह सकता हूँ मैं, प्लेट का टॉप रैक है पूरा। अब इस पर जिन लोगों को इस पर टॉप बॉक्स लगवाना है तो वो लगवा सकते हैं, नहीं तो अपना सामान इस पर आप रख कर ईजिली होल्ड कर सकते हो रस्सी वगैरह से बांध कर। सैडल बैग्स भी लगाने लग जाएंगे, सैड पैनिस लग जाएंगे। इसके अलावा इसके जो है टैंक पर भी रैपिंग की जाएगी। डिजिटल मीटर लगा रहे हैं इसमें क्योंकि इसका मीटर डिजिटल नहीं आता है, जो कि आपने बुलेट वाला देखा होगा जैसे उसमें कलर भी है और इंडिकेटर वगैरह काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। और हेडलाइट भी है इसमें, वो गोल वाइल लगाई जा रही है यानी कि बुलेट वाइल लगाई जा रही है। तो अभी इसमें काम जो है वो अनकम्प्लीट है, अभी इसकी कंडीशन आप देख सकते हो। फाइनल करके मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल पे कैसा लुक आता है इसका। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. जो आपकी थी विक्रांत वो हो चुकी है कंप्लीट और ये है इसका फ्रंट का हेडलाइट जो कि आपने देखा होगा ये लगा हुआ आता है। तो इसको हटाकर अब जो फ्रंट का लुक है वो है आपका कुछ इस प्रकार, जिसमें जो है लाइट लगा दी है माइनस प्लस रिंग वाली जो कि बेसिकली आपने बुलेट्स में देखी होगी लगी हुई। इंडिकेटर वही है जेन्युइन, वाइजर इसमें बुलेट का लगा दिया है। एक फ्रंट का जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया ऑलमोस्ट। और ये है पार्ट वन, तो पार्ट वन में भी जो पार्ट कवर किए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और हैं क्योंकि सेम डे में ये सब चीज़ें काम करना एकदम से इम्पॉसिबल है। बाकी जो अभी के सिनेरियो में वर्क हुआ आपको दिखाया था, जैसे कि आप देख रहे हो ना हेडलाइट, तो हेडलाइट के अंदर और भी कलर है। तो ये हेडलाइट हो गया और जैसे मैंने आपको बताया इसमें जो है येल्लो कलर भी मिल जाएगा, लो बीम पर रहता है येल्लो और हाई बीम पर वाइट। बाकी आप चाहो तो उसको ऑफ भी करा सकते हो येल्लो वाले को, और बाकी आप अलग से स्विच भी लगवा सकते हो। अब आओ मीटर की तरफ, तो मीटर जो कंपनी देती है वो हटाकर यहाँ पर डिजिटल मीटर लगाया है जिसमें अगर मैं आपको ये छोटा सा स्विच है यहाँ पर इसको प्रेस करूँगा ना मैं तो इसके कलर चेंज होंगे। ये देखो इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप सेट कर देना। अभी ये वाला पार्ट इसका चेंज होना बाकी है क्योंकि अभी एकदम से इसमें इतना सब काम होना एक ही दिन में जो है नहीं हो सकता था और गाड़ी सेम दिन कस्टमर को चाहिए थी। बाकी अगला जो काम है वो यहाँ पर देख सकते हो मिरर लगा रखे हैं जो कि बेसिकली जो है ये बार एंड मिरर है, इसको आप अप करके भी लगा सकते हो, डाउन करके भी लगा सकते हो और ये अपनी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो इसका टैंक था इसको रैप कर दिया है और मैट रैपिंग ली है, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है इसका। ये देख सकते हो फिनिशिंग ये भी किया गया और ये भी किया गया, ठीक है रैप हो गया। और रैप के अलावा जो मेन चीज़ थी वो थी इसके क्रैश गार्ड और फ्रंट का लुक। फ्रंट का लुक आपने देख लिया, अब आप देखो इसका क्रैश गार्ड। और क्रैश गार्ड जो मैंने आपको बताया था ये दो स्लाइडर के साथ आता है जो कि इसको लगाने के बाद अगर आपकी बाइक इस साइड गिरती है तो मतलब नहीं बनता कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए आपकी बाइक पर या फिर आप पर। ये देखो पैर पूरी तरीके से आपके कवर अप है,
ये तस्वीर, क्योंकि थाई की पोजीशन ये रहती है, तो इस तरीके से पूरा कवर अप है, दो स्लाइडर मिल गया, कभी आप थक गए राइड करते करते इस तरीके से पैर कर सकते हो आप, ये देख रहे हो आप। और जैसा कि आपको डिज़ाइन से पता चल रहा होगा, आपका इंजन सेफ है, आपका टैंक सेफ है, आपके लैग सेफ है, दोनों तरफ से भी सेम फिटिंग है और सेम ही क्रैश गार्ड है। और इन बाइक से क्रैश गार्ड आते नहीं है, इसीलिए ये हैंडमेड तैयार किए गए हैं हैंड टू हैंड, लेकिन बिल्डनेस मजबूती इतनी है, अगर इसको उठा भी लूँगा ना मैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। अब आओ बैक साइड पर, और बैक साइड पर आप देखो सैडल स्टे, सैडल स्टे की कनेक्टिंग्स आप यहाँ से देख सकते हो, यानी कि जो इंस्टॉलेशन यहाँ किया गया है, और एक कनेक्टिंग इसकी यहाँ पर आ रही है, ठीक है, एक कनेक्टिंग इसकी यहाँ पर है और एक कनेक्टिंग इसकी यहाँ पर है, और ये दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, बैक लुक ये वाला आ रहा है इसका, और इसमें भी किसी तरीके की वाइब्रेशन का इशू नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये देखो, इसे खींचूंगा तब भी नहीं कुछ बिगड़ने वाला है इसका। सैडल लिस्ट हो गया। अब यहाँ आप देखो टॉप रैक, प्रॉपर टॉप रैक है। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई और बाइक है उसका क्रैश गार्ड चाहिए प्रॉपर क्रैश गार्ड, तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्रैश गार्ड अपने पास बहुत सारे मिल जाएंगे हर बाइक्स के। ये देखो BMW के चाहिए, बुलेट के चाहिए, हंटर के चाहिए, अपाची के चाहिए, पल्सर का, या फिर जिन बाइक्स का अभी तक बना ही नहीं है, सबके यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और इसके ऊपर अगर आप चाहो तो टॉप रैक के अलावा जिन लोगों को टॉप बॉक्स लगवाना तो वो भी लगा सकते हैं, सिर्फ ये वाली प्लेट लगी रहेगी, इसमें कुछ नहीं होता है, टॉप बॉक्स लगा सकते हो, बाकी नॉर्मली अपना सामान कैरी करना तो आप कर सकते हो। बात कर रहा था कनेक्टिंग की, तो ये कनेक्टिंग देखो यहाँ से डिजाइनिंग के हिसाब से ऊपर हो गई, क्योंकि ये वाला पार्ट बीच में आ रहा है, स्ट्रेट रॉड बिल्कुल नहीं आ सकती थी, तो ये हो गया। अब ये देखो लुक इसका, तो ऑल ओवर ये बताने का मतलब ये था कि जरूरी नहीं है आप लोगों के पास विक्रांत है, आप लोगों के पास टू व्हीलर कोई भी है, सबकी मॉडिफिकेशन आप करा सकते हो अपनी शॉप पर। ये थी मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाई विक्रांत की। बात करूँ उसके प्राइसिंग की, तो 10 से 15,000 के अंदर आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बाकी इससे कम भी हो जाएगा, लेकिन भाई मजबूती ये नहीं मिलेगी अगर आप कम में कराते हो। तो ये था आज की वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।